मलप्पा जी, कहाँ से आए हो? तमिलनाडु से आए। तो क्या परेशानी थी? वो रेटिना पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजनरेशन है। तो ये कब से था? 20 साल से। 20 साल से आपको कम दिखता था। और धीरे धीरे क्या हुआ? ज्यादा हुआ। अभी रात में चलने फिरने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता। दिन में भी आते, रात में भी, दोनों एक ही टाइम। दिन और रात में दिखना बिल्कुल बंद हो गया। बंद हो गया। आपको हाथ पकड़ के कब से चलना पड़ रहा है? 1 साल से सर। 1 साल से आपको इतना कम हो गया कि आपको हाथ पकड़ के आना जाना पड़ता है। पास का, दूर का, सभी दिखना बंद हो गया। बंद हो गया सर, बंद हो गया। इस मोहताजी के कारण आपकी क्या नौकरी चली गई? नौकरी चली गई सर। आप परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में क्या परेशानी आई? घर के सभी लोग आपसे नाराज हुआ सर सभी, और बीवी ने तलाक की धमकी तक दे डाली। दे दिए सर। ये जिंदगी है, जिंदगी, और जिंदगी में आंख होते हुए आप उदास हो गए, इसके कारण आपको सभी परेशानियां हो रही हैं। ठीक सर। यस सर। इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार। आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ कब से इलाज करा रहे हैं? 3 महीने से सर। 3 महीने से। 1 महीने का कोर्स लिया, फिर दूसरा कोर्स लेने आए, उसके बीच में आपने गैप कर दिया। गैप कर दिया सर। तो 3 महीने में आपने क्या फर्क महसूस हुआ आपको? थोड़ा फर्क है सर, पढ़ने के लिए तो। ये दूसरे कोर्स के बाद आपको पढ़ना थोड़ा शुरू हो गया सर। आप 5 लाइन पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। आपको 5 लाइन दिखने लगी है इंग्लिश की और मैथ्स की। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। दूर से आते जाते लोग भी आपको पहचान में आने लगे हैं। आप सड़क पे चलते हैं, आते जाता व्यक्ति की और गाड़ी वगैरह पहचान में आने लगी है। थोड़ा आ गया सर। थोड़ा आता है कि कुछ आ रहा है, आ रहा है, पहचान आ रहा है ना। अब एक्सीडेंट होने का डर कम हो गया है। तो बहुत सारी आपको बधाई हो। आपके जीवन में ये नया साल आपके लिए नई जिंदगी लेके आया है। हम उन व्यक्तियों से गुजारिश करेंगे, वैलेंटाइन डे के दिन हमारे दोस्त को फिर अपना जीवन साथी आ जाए और उसके साथ फिर इसकी, इनके बच्चों की दोस्ती फिर पुनः जीवित हो जाए, उनका रिश्ता फिर से बन जाए। हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि एक परेशान व्यक्ति को इस तरह से साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत सारी बधाई हो। आज आप पढ़ने लग गए हैं, अब आप फिर नौकरी जा पाएंगे, अपना काम पुनः कर पाएंगे। आप सभी के हताश लोग जो बरसों से अंधत्व का जीवन जी रहे हैं, 20 साल से आप बिल्कुल हताश होते चले जा रहे थे, सभी ने क्या कहा था आपसे? दुनिया में कोई इलाज नहीं। आप बड़े से बड़े अस्पताल गए थे, साउथ में कहाँ पे, एलवी प्रसाद और शंकर नेत्रालय, मिंटो आई हॉस्पिटल और सनाई केयर, केरला में श्री दरियम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। अभी ने क्या कहा, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं है। आप खुश हैं डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज करके? सर खुश है, बहुत खुश है सर। आप सभी के जो दूसरे लोग हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? सर सभी लोग इधर आके ट्रीटमेंट लेके जीवन सुधार लेगा, अच्छा जिंदगी। अरे आपकी जीवन ठीक हुआ है, उसी तरह सभी लोगों का जिंदगी सुधार लेगा, जिंदगी सुधर सकती है, है ना? यदि आएंगे तो जिंदगी ठीक होती है। ओके। आइयो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। आप तमिलनाडु से हैं, बताएंगे आपको क्या परेशानी थी? रेटिना पिगमेंटोसा एंड मैकुलर डिजनरेशन। अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको क्या फायदा हुआ डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ? हाँ सर, ना 20 वर्ष रेटिना पिगमेंटोसा पिने मैकुलर डिजनरेशन जीविकनुल्लदु എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. വലകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ കർണാടകത്തിൽ, കേരളത്തിലെ ശങ്കർ നേത്രാലയ, നാണൻ നേത്രാലയ, നയിക്കാർ എവിടെ പോയതിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനില്ലാത്ത കാരണത്തിന് നാൻ അവിടെ യൂട്യൂബിലേയും നോക്കി, ഡോക്ടർ ഋഷഭ് ജൈൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി, മധ്യപ്രദേശ് ഉജ്ജയിനിലെ അവിടെ ഇതിലേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വന്നിട്ട് കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി, കോഴ്സായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാനെല്ലാം കാണുണ്ട്, എല്ലാം ആകുന്നു. ഇപ്പോൾ തർക്കമില്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കാനും നല്ല ആവശ്യമുണ്ട്. വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് भी दक्षिण भारत के व्यक्ति यहाँ पर आएगा जिसको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा मैक्युलर डिजनरेशन, साथ में पूरा अंधत्व का जीवन जी रहा है, जिसकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है, क्या वो ठीक हो सकता है? हो सकता है। हम भी एग्जांपल, हम मैं ना इंडल है नाने इंडल है इधे इवेदे सफर पड़ो यारपी रेटिना पिगमेंटोसा एंड मैक्युलर डिजनरेशन. இப்போ ஃபுல்லு கண்ணு போயாரோ இப்போ கூட வந்தங்க ஒருத்தர் ரெண்டு கோர்ஸ் மூணு கோர்ஸில் எல்லாம் ஆரியம் பட்டும் நான் ஒருத்தர் படிக்க பட்டுட்டு இப்போ எல்லாம் ஆகுண்டு. நீங்கள் சவுத்தில் எவ்வளோ என்னைக்கு ஆகிட்டு இவ்வளோ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் ரிஷப் ஜெயின் டாக்டர் எடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் நல்லா சுகாயிட்டு கண்ணு காணும்னு அவசியம் உண்டு. कैसा लग रहा है तुमको? कैसा लग रहा है ये बोलो तुम तो? प्रिया सुखा गिरा चन्ना गिरिया चन्ना गिरिया बधाई हो. बधाई.
यूं तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं, जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां हैं, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, है ना? रेटिना पिगमेंटोसा है। YAX, हाँ, वो हाँ, टी जोर से बोलो। YH, हाँ, नीचे वाला दिख रहा नहीं सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं। ये है ना बीच में सर, ये है बीच में, ये एक्स है, एक्स और यू है सर। यू, वेरी गुड। उसके नीचे, उसके नीचे क्या है? ओके है ना, फर्स्ट वन ना, वो सर वो ओ है। चलो पांचवी लाइन आपको इसमें धुंधली आ रही है, ये गणित वाली लाइन पढ़ो। 85 2 9 3 3 8 7 5 8 7 5 4, गुड। उसके नीचे 6 3 9 6 6 2, टू लास्ट में टू सर, 5 2 सर, 5 2। उसके नीचे 4 2 9 3 5 6, गुड। उसके नीचे पहले वाला 4 है और 2 है, 2 सर, 9 है, गुड। फिर लास्ट 6 है सर, 6 के पहले सर 5 है, 5 4 है सर, नहीं है। तो ये आपको पांचवी लाइन इसकी भी धुंधली आ रही है, और अब देखें शायद आप स्मॉल ABCD भी पढ़ पाएं। ये दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।